Yeah, sure. I think क्योंकि जिस तरह से मणिकर्णिका रिसीव हुई है, I just feel आ जाओ. जिस तरह से मणिकर्णिका रिसीव हुई है, I think it is definitely a superhero film inspired by real characters. इन मोहतरमा ने मुझे कहा कि कि नवरी पहनते हैं और खुद नहीं पहनी. नहीं बट अभी क्या बोलूँगा. बट आई पर्सनली फील दैट द काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेज अंकिता हैज़ वर्कड, द काइंड ऑफ सिचुएशन शी हैज़ वर्कड, शी डिजर्व्स अ मच बिगर एंड मच बेटर डेब्यू. दैट्स माय फीलिंग एज अ डायरेक्टर. हमने जो गाना शूट किया है वो अंकिता ने हाफ नाइट में किया है, जबकि वो गाना आइडियली 12 दिन शूट होना चाहिए था. Because that is how a regular song of that nature is shot for 10 to 12 days. Ankita ne wo aadhi raat mein kiya hai because of budget constraints, because of the situation we were in. She did not have even time to do a second take. To aap soch sakte hain main kis situations mein film shoot ki hai. We did not even had the time to even curl her hair. So kehne ka matlab hai, I feel she deserves to be, you know, lit more beautifully and she deserves a better debut. But anyway, there is still a long way to go for her. आपने हमें पहले बताया था कि ये celebration होने वाला है, मतलब यानी you knew like inside out की like what. Of course, अब इतनी बड़ी film हुई है, success हुई है, तो party तो बनती है ना, तो वो तो होना ही था. Of course, तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे तुक्के में बताया था कि होगा, पर ये होना ही था. यानी आप काफी close आ गई हैं कंगना की, like I think definitely, but Ankita should do lead roles. Thank and you, she Thank should you definitely so do. And Kangana is my godmother. I have declared that. I have been saying this to Kangana also. Phone call. Kangana is my godmother. I don't have any godfather, but I have a godmother. So definitely, she's my godmother. Thank you. अंकिता आपकी पहली फिल्म है और पहली फिल्म ने 100 करोड़ की आमदनी की है ये विशेष बात आपको लगती है ऑफ कोर्स लगती है आपको मैंने उस दिन भी इस चीज का जवाब दिया था कि आपकी जब डेब्यू फिल्म होती है और वो इतना अच्छा करती है और 100 करोड़ करती है तो मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मैं हमेशा से फिल्म करना चाहती थी और मैं कर रही हूँ और बड़ी 100 करोड़ कर रही हूँ और कंगना ने डायरेक्ट की इससे बड़ी चीज. मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी से भी 2 दफ़ा मिल चुकी हैं, उस बारे में भेंट के बारे में बताएं. और अब 2 दिन में भारतीय इलेक्शंस की भी घोषणा होने वाली है, तो उससे भी जुड़ने की इरादा है आपका? Well, I think इलेक्शन से मैं नहीं, मेरा ऐसा इलेक्शन से कोई जुड़ने का इरादा नहीं है. काफ़ी लोगों को ये भी गलत फहमी है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 0% चांसेस भी नहीं है. मगर क्या मैं एक ऐसी युवक युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं मैं जानती हूँ. आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने कुछ नहीं किया. सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक रणबीर कपूर वॉज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो. सो हाउ ये देश ने आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज़ में बैठते हैं. हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट. हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दें. दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल. क्या मैं वैसी इंसान हूँ? नहीं. उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए. मेरे घर में बिजली पानी आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है. सो दिस हैज़ टू चेंज एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए. हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कॉन्ट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है. यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी. आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज़ योर लीडर. यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन, हु वट यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, वट यू थिंक. यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना. दिस इज़ एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल. और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई. सो दीज पीपल शुड बी आस्क. ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है. मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ. देखो थी
अब एनडीए की सरकार है तो गुणगान गाती है इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री हमारी थोड़ी अपॉर्चुनिटी आपको लगता है वेल आई जस्ट फील Well, in a democracy, a shift of power when happens, it's okay to be positive for a government, but if you feel that the government is not showing any response, it's okay to call them out on that. It's not that you shifted your opinion or you're being, you know, sort of an opportunist or like that. So it's fine to show positivity for an elected candidate and to be like, okay, fine, we have a lot of faith in this person. There is nothing wrong in that. And, you know, as talking about about me, I think I have had a very, you know, wide exposure of how things change in person's life. Jaise desh mein cheeze change hoti hai, humare upar bhi, humare personally bhi life change hogi. So, ye bahut important hai, hum desh mein interest le, because hum deshi to hain. Hum kaun hai? So, ये बहुत ही मूर्खता की बात है ऐसे करना मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज मेरी वो इंडोर्समेंट ना चले जाए या मेरे को वो कुछ दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड एंड आल्सो अरे वेल देखिए हम लोग आई थिंक अगर अगर इस देश में कोई है जो इस देश को संभाल सकते हैं और कोई है जो इस देश को इसकी जो बुरी स्थिति है जैसे कि 50% हमारे लोग जो है मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं और जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे हमको सताया जाता है हर कोई आके हमारे ताज में मतलब माय फ्रेंड अ वेरी डियर फ्रेंड जिनकी जो एक्टर भी हैं मेरे साथ हमारे टीम में काम कर चुके हैं उनके भैया और भाभी डिनर कर रहे थे और उनको दे शॉट इन दैट तो आप कहते हैं कि आपको देश से कुछ लेना नहीं देना कल को मेरी बहन जा सकती है डिनर करने अपने दो बच्चों को छोड़ के मेरे पास तो आप कैसे कह सकते हैं आपको देश से कुछ ले इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है करप्शन को फैलाया हुआ है मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है हमारी रिवर्स ख़त्म हो रही है ग्रीन कवर ख़त्म हो रहा है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट आप अपने घर में आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं आपको आप सो कैसे जाते हैं और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछे और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर को इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर हाउ डू यू ऑल टॉलरेट दिस इन अ डेमोक्रेसी लाइक दैट एंड देन यू मेक दिस पीपल योर रोल मॉडल्स हाउ डज दैट वर्क सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क को एक्टिव पॉलिटिक्स आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्या नहीं क्योंकि पॉलिटिक्स में आकर ही बातें की जाती है एज ह्यूमन एज इंडियन यू नो हम लोग यहाँ खड़े और हम लोग यहाँ रहकर भी इस पोजीशन में रहकर भी वो सारी चीज़ें कह सकते हैं जो शायद पॉलिटिशियन नहीं कह पाते सो आई थिंक एज एन एक्टर दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों को लोग कहीं ना कहीं रोल मॉडल समझते हैं एंड शी कैन टॉक अबाउट इट एंड पीपल कैन फॉलो हर सो आई थिंक शी डजंट नीड टू गो टू पॉलिटिक्स लाइक प्रॉपर पॉलिटिक्स शी कैन बी हियर स्टैंड हियर एंड टॉक अबाउट इट एंड पीपल कैन फॉलो इट सो दैट्स व्हाट आई थिंक मैंने जो पूछा था मैं आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या बात हुई कैसे बताऊं मैंने उनको बधाई दी जिस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन थी एंड इस सिचुएशन को उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है कोई नहीं हैंडल कर सकता था उस तरह से और आई थिंक ही डिज़र्व्स उनके बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है जितना उनका क्रिटिसिज्म होता है जब यू नो मतलब इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट दैट ही इज़ सो डीवैल्यूड एज अ यू नो एज अ लीडर ऑफ द कंट्री दैट इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग सो आई थिंक आई जस्ट एक्सप्रेस्ड माई ग्रेटिट्यूड आप लोगों के सबके बिहाफ से कि हम वी आर एब्सोल्युटली ग्रेटफुल दैट द वे ही हैज हैंडल द सिचुएशन एंड वी फील सेफ इन हिज लीडरशिप दैट्स द काइंड ऑफ कन्वर्सेशन वी हैव लास्ट वन एंड हाफ क्वेश्चन प्लीज है ना एक मिनट नहीं बहुत सेंसिटिव कंगना जो लास्ट क्वेश्चन है बाद में पूछूंगा पहले उस समय अगर जैसे वैसे अंकिता मिश्रा कहती है हाइपोथेटिकली मत पूछा लेकिन अगर आप इलेक्शन लड़ती हैं तो क्या आप प्रियंका गांधी के अपोजिट लाइक चांस यू वुड मुझे तो नहीं लगता मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी क्योंकि आई रियली डोंट थिंक सो मीत बिकॉज आई हैव नो रीजन नॉट टू बिकॉज एम आई कंसर्न अबाउट द कंट्री आई एम एब्सोल्युटली कंसर्न लेकिन कुछ तो चीज़ होनी चाहिए जो आप पैसों के लिए ना करें जिंदगी में आई थिंक एज अ पॉलिटिशियन फिर भी आप मुझे कह सकते हैं कि यार इसका तो मतलब है
कह सकते हैं ना, चार लोग कह सकते हैं मुझे, बिकॉज पॉलिटिशियंस चाहे उनको 200 रुपये सैलरी भी मिलती हो फिर भी लोग कह देते हैं कि इन्होंने करोड़ों का घपला किया, राइट? लेकिन एज एन एक्टर तो आप मेरी इंटेंशन पे कभी डाउट कर ही नहीं सकते. जो मैं देश के लिए कह रही हूँ, ये सब लोगों के मैंने अभी नाम लिए हुए हैं, आपको क्या लगता है ये लोग इतने बड़े बड़े खंजर निकालेंगे? और जो भी आप अनाप शनाप अभी न्यूज़ पढ़ेंगे पेपर में मेरे बारे में, उन्हीं के पीआर ने करी होगी, यू नो. सो आई नो ऑल ऑफ दैट, आई नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट आई हैव सेड, बट आई एम ओके विद दैट. लेकिन ये किसी को तो कहना पड़ेगा. और मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप लोग नहीं कहते हैं, आप लोग इन लोगों से सुन के लेते हैं, आप लोग कुछ नहीं कहते इन लोगों को, यू नो. सो कंगना 20 दिन रह गए, इट्स योर बर्थडे. थैंक यू सो मच सुमित. क्या विशेष है आपकी और क्या है, एक बार कुछ पता नहीं, आप यहाँ पे तो कहीं मनाली में? हाँ जी, मैं मनाली में हूँ. वो बड़ा घर बना है उसका, हाउसवार्मिंग कर रही है. अच्छा, भगवान करे, मैं भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में इंजॉय किए करें, दारू पी. अभी अभी क्या विशेष है नए साल के लिए? व्हाट इज गिफ्ट यू वांट? सेंसिटिव सेंसिटिव बच्चे सही ना. क्या गिफ्ट आई वांट? क्या चीज आप चाहिए आपको? व्हाट आर यू विशिंग फॉर द इंडियन व्यूअर्स? ये आप बताएं, आप दोनों अच्छे लग रहे हैं. आई थिंक देश के लिए हम लोग यही चाहते हैं. देखिए, हमारा देश आगे आएगा, हमारे देश की तरक्की होगी, तो आप देखिए हम लोग कितना अब हमारे देश की पर्सनैलिटी, आज पूरे विश्व में जैसे हमारे देश की बात हो रही है, जब उससे भी ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी बन गई. आज लोग मुझे कहते हैं कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया, यू नो. सपोज अगर हम लोग, इंडिया इज़ बेस्ट इन द ग्लोब, सो आई वुड बी द बेस्ट एक्टर ऑन द ग्लोब. यू विल बी द बेस्ट जर्नलिस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ. Okay, so basically for me, like it's a. I just feel के जो film है इसमें एक possibility है कि हम लोगों के जो super heroes होते हैं, हम लोग you know जो एक सही character है, जो real characters है, उनसे अगर हम अपने बच्चों को inspiration दें और real stories से, it can be something amazing. So उस तरह से I think I can sort of you know take it forward. कहीं ना कहीं शौर्य गाथा वाली जो फिल्में हैं जी, वो ज़्यादा बनी थी क्योंकि रोमांटिक फिल्म एक साथ आती है, बायोपिक फिल्मों का एक साथ दौर आता है, तो आप शौर्य गाथा वाली फिल्में भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी. पर मुझे लगता है कि एक हमारा जो कंज्यूमर है वो काफ़ी समझदार हो गए हैं अब, और वो लोग दे वॉन्ट समथिंग मोर देन एंगेजमेंट और एंटरटेनमेंट. यू नो, यू कॉन्ट कम टू अ थिएटर ओनली टू किल टाइम. देर वॉज अ टाइम वेन अभी जो हमारा एजुकेटेड क्राउड है, या जिस तरह से हमारे लिटरेसी रेट भी आगे जा रहा है, उनके पास यूट्यूब पे या फ़ोन पे टाइम किल करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं. लेकिन उनका अब ये एक मेन क्वेश्चन हो गया है कि हमने क्या पाया, जब हमने एक फिल्म देखी तो हमने क्या पाया. और मणिकर्णिका के सक्सेस से आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है अपने आप में कि, और बाकी भी जो कई फिल्में आ रही हैं, कि अब कंज्यूमर का ही हो गया कि हम स्पेंडिंग दिस मच मनी तो मुझे क्या मिला. सो चाहे वो हमारी हिस्ट्री हो, या हमारा कोई इन्फॉर्मेशन हो, या किसी तरह का एक्सपेंशन ऑफ द डिमेंशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सपेक्टिव, सो उस तरह से आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज आई थिंक दे विल गो फार अहेड ऑफ अस. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट बिजनेस वेयर द कंज्यूमर इज़ अहेड ऑफ द पीपल हु आर क्रिएटिंग कॉन्टेंट. क्योंकि उनके जो, मतलब मैं एक आम इंसान को मिलती है, वो मिलती हूँ तो वो मुझे 10 टाइप के नेटफ्लिक्स बता देते हैं, ये जो कॉन्टेंट होते हैं दे आर एक्सपोज टू एंड आई एम नॉट. मेरे पास टाइम नहीं है इतना उनको देखने का. सो आई थिंक वी नीड टू कैच अप विद देम, दे डोंट नीड टू कैच अप विद अस. ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड पीपल, आई ऑलवेज सी हर एंड आई फील दैट यू नो यार, मतलब एक कलाकार हो तो ऐसी हो, वाइफ हो तो ऐसी हो, माँ हो तो ऐसी हो, यू नो शी इज़ द एपिटोमी ऑफ अ परफेक्ट वुमन. और वो हमेशा मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं, बहुत प्यारे मैसेजेस भेजती हैं. लेकिन उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि यू नो शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू मी. और मेरी जो बायोपिक है, वी आर वर्किंग ऑन दैट. बिफोर दैट आई माइट स्टार्ट द ट्रिलॉजी, बट बायोपिक विल हैपन डेफिनेटली. मैम, आप ऑलवेज सप्लाई देती हैं, आप ऑलवेज, अभी आपने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी हम सबको सरप्राइज दी कि आप डेट करनी है और शादी भी करने वाली. अब ये मैम, अभी आज की सक्सेस पार्टी तो हमने देख ली,
Party, I think this is definitely not what I said. In fact, I was asked if I'm dating and I said I'm not dating, but yes, if you know, like being a young woman, do I have you know, somebody in my life? Yes, but having somebody and dating and marriage, you look, it degrees hai. Progressing. So let's see. When the unfortunate Pulwama attack had happened, came out with a series of very strongly worded statements. One of which was also, you know, about people from the fraternity who chose to go to attend an event in Pakistan despite the Uri attacks and everything. However, there were some reports, and if you can clarify, that even Manikarnika had released in Pakistan despite the Uri attacks, and it continued to scream while the Pulwama attack happened. Yeah, see, what happens is that when a film is distributed, they had the DCP, which is the digital copy, उसको उनसे छीनने के लिए आर्मी भेजनी पड़ेगी जो हमने ऐसे ही बाई एयर भेजी थी लेकिन उन्होंने मेरी डीसीपी वापस नहीं लाई सो द थिंग इज दैट व्हेन यू कैन स्टॉप फ्रॉम फ्यूचर रिलीजेज टू हैपन बट वॉट इज इन देयर पोजेशन इफ दैट हैज टू बी टेकन फ्रॉम देम यू नो सो इट्स लाइक इट विल बी अगेन द सेम सिचुएशन Pakistan well, definitely yes. Yes, if I'm producing a film, that definitely that is the route I will take. I mean, why should we? And it's not that it's a very big territory. It's hardly. It's almost insignificant, isn't it? But then the argument was, why did it even release in Pakistan even after the Uri attack? We discussed enough about it. Yeah, I think. We can move on to the next question. Well, I think. That is. I mean, precisely the distribution and the trade. Was going like that. I assume because obviously I'm not the minister in charge of the trade, how things are happening in the country. But if you ask me, for me, like it's very important the sentiment of the country, the sentiment of the Jawan's family. That is very important. Does it make a significant statement? No. These can be called small steps, you know. But is it? If it, that's all we can do. We should. We must. मुझे ऐसा लगता है कोई भी रोल आप जब करते हो वो चैलेंजिंग होता है क्योंकि झलकरी बाई करना मेरे लिए ऐसा था जब मैंने ये रोल लिया था मुझे झलकरी बाई के बारे में हमेशा कहती हूँ आई डिडंट नो टू मच अबाउट झलकरी बाई एंड आई जस्ट न्यू वन थिंग दैट शी इज़ द हीरो ऑफ आर कंट्री एंड और मुझे उनको प्ले करना था क्योंकि मुझे चाहिए था कि लोगों को पता चले कि झलकरी बाई कौन थी एंड दैट्स कम्प्लीटली माई अपॉर्चुनिटी दैट आई कुड परफॉर्म इट एंड लोगों को इतना पसंद आया और आई थिंक कंगना हैज डायरेक्टेड फैब लाइक मेरे जितने सीन्स हुए आई थिंक कंगना हैज शॉट 70% ऑफ द फिल्म सो आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू माई कैरेक्टर एंड शी हैज डन जस्टिस टू माई कैरेक्टर मोर देन मी गुड इवनिंग थैंक यू ये फेथ एस्टेब्लिश करता है आपको फिल्म इंडस्ट्री में एज एन डायरेक्टर एज एन एक्टर अब आपको लगता है कि आप सभी विधाओं में मतलब पूरी तरह से निपुण हैं और किसी को भी सामने लेने के लिए तैयार हैं आई थिंक देखिए क्या होता है कि हर एक एवरी डे इज डिफरेंट कई बार आपको लगता है कि आपके जो डे टू डे चैलेंजेस हैं वही ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए कि बाकी दुनिया क्या बोल रही है यू नो जब आप एक सिचुएशन में होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं कई बार आपको लगता है कि नहीं ये वक्त है थोड़े से तो मुंह बंद करने चाहिए बिकॉज कुछ ज़्यादा लोग जो है आपके को शांत समझ के या आप जब जवाब नहीं दे उसको आपकी कमज़ोरी भी समझ लेते हैं तो कब आपको किसी को थप्पड़ लगाने और कब आपको इग्नोर करना है यू शुड नो दैट एज अ पर्सन आप अपना काम काज छोड़ के तो नहीं जाएंगे दुनिया से लड़ने या उनको बताने उनको समझाने आपका आप कौन है वाकई में और आप क्या चाहते हैं और क्या सोच है आपकी तो वैसे तो आप सारी दुनिया में मतलब वही एंगेज ही करते रहेंगे यू नो बट देन देर इज़ अ टाइम के इनफ इज़ इनफ दिस इज़ योर बाउंड्री यू कैन नॉट क्रॉस योर लाइन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक ये जैसे अगर आप व्यक्तिगत तरीके पर ऐसा समझते हैं तो आप देश के लिए भी ऐसा समझेंगे कि आपको किसी को डसना नहीं है लेकिन आपको अपना यू नो कहते हैं डराने क्या बोलते हैं डराने के लिए यस डराने के लिए वो थोड़ा सा तो दिखाना पड़ता है थोड़े दिन पहले मीडिया में बात चल रही थी कि आपको आपको फ्रेटर्निटी से कैसे सपोर्ट नहीं आया मणिकर्णिका के लिए तो जोया अख्तर ने इस पर कहा कि आपको सब अप्रिशिएट करते हैं पता नहीं आप ऐसा क्यों कहती तो उस बारे में आप क्या करेंगे वेल आई थिंक इफ अगर अप्रिशिएट करती है वो तो आई एम वेरी हैप्पी तो उसके बहुत बहुत धन्यवाद उनका ठीक है बहुत ज़रूरी होती है कि हम वही मैं मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को जैसे आप हैं अगर आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप अगर कहीं जाके फिल्म देखते हैं अगर या फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन ना करी जाए आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप दंगल देखें उनके बारे में बोले
आपसे एक्सपेक्टेशन है आप सुपर स्टार देखे उसके बारे में बोल, आपसे एक्सपेक्टेशन है तभी आपको बुलाया गया यू नो, और मीडिया के सामने बुलाया गया, आपसे बाइट्स लिए गए सब कुछ, आपसे एक्सपेक्टेशन है राइट, तो फिर आपको भी तो उस तरह से रिटर्न करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा ना. सो आई थिंक दैट वे इट इज़ अनफेयर, इट इज़ नॉट डन. नहीं तो फिर आप एक्सपेक्ट ही मत करिए, जाने दीजिए मुझे, मेरे हालात पे छोड़ दीजिए, इज़न्ट इट. आपको हमेशा कॉन्ट्रोवर्सीज में पाया जाता है, तो क्या आपका ये बेबाक बोलना या फिर खुले तरीके से सच्चाई बोलना कहीं ना कहीं आपको लगता है कॉन्ट्रोवर्सी में ये आपके खिलाफ ही कई बार चला जाता है? वेल आई थिंक आई जस्ट फील दैट हर एक इंसान का एक अपना नेचर होता है. कई बार आपको जो आपका नेचर होता है उसके हिसाब से आपको सफलता मिलती है, कई बार आपको आपके नेचर के हिसाब से ऑब्स्टिकल होती है. अभी यही मेरा नेचर है कि यू नो आई कैन पोर्ट्रे फाइस्टी कैरेक्टर्स, तो हर जगह पे ये आप इससे फ़ायदा तो नहीं सोच सकते, कई जगह पे उसी नेचर से नुकसान भी होता है. सेम तरीके से आप ज़्यादा टिमिड होते हैं तो कई बार आपको फ़ायदे होते हैं, वो कई चीज़ों से नुकसान हो जाए. सो आई थिंक वी शुड नॉट बी सो कैलकुलेटिव कि मुझे ज़िंदगी में हमेशा ही फ़ायदा हो, हर सिचुएशन से मैं क्या निचोड़ के निकल जाऊँ या क्या कमा के चले जाऊँ और कैसे मैं अपना मतलब हमेशा अपना फ़ायदा करके चले जाऊँ. ऐसे इंसानों से दूरी रहिए और ऐसी सोच भी मत रखिए. कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ज़िंदगी में इंसान गिर उड़ के और उससे भी निकल जाते, इट्स फाइन. मैं थोड़ी आस्किंग अंकिता क्वेश्चन.